स्त्री का विवाह बाह्य संबंध, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। स्त्री का विवाह बाह्य संबंध, इसके बारे में आपको काफी सारे वीडियो जानकारी मिलेगी और सालों से वो चलते आ रहा है। एक टॉपिक ही ऐसा है कि ये लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है सुनने के लिए और उसमें गॉसिपिंग भी बहुत हो जाती है। स्त्री का विवाह बाह्य संबंध होना, ये अच्छा बुरा, इसमें जाने के बदले हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी आज ही मेरे पास में एक पेशेंट को लाया कि जिसका खुद का व्यवसाय उसने चालू किया अपने एक पड़ोसी के साथ में, पड़ोसी में रहता है वो आदमी, उसके साथ में चालू किया क्योंकि वो लोग घर में आना जाना उनका था, एक फैमिली फ्रेंड थे, उनके साथ में चालू किया। इसके पति का अलग व्यवसाय है, इसने खुद का एक व्यवसाय वो फ्रेंडशिप में जो फैमिली फ्रेंड है वो आदमी के साथ में चालू किया और पिछले 2 साल से वो व्यवसाय अच्छा चल रहा भी है और उसमें उनके संबंध आने लगे क्योंकि दिन के 8-10 घंटे साथ में बैठते, साथ में रहते, साथ में वहां बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर नेचुरली एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, प्यार हो गया और फिर वो सब बाहर मालूम पड़ा क्योंकि उसके बारे में गॉसिपिंग होने लगा कंपनी में, फिर बाहर लोगों को मालूम पड़ा और फिर इसको जब प्रिवेंट किया ये लड़की को कि नहीं करना चाहिए ऐसा उसके हस्बैंड ने, तो इसको बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया। तो ये होता क्यों है? नंबर एक का पहला कारण जो है क्या है कि स्त्री को ऐसा लगता है कि अपने हस्बैंड ने अपने पास में बैठना चाहिए, अपने अपने को टाइम देना चाहिए, अपने से बातें करना चाहिए, अपनी केयर लेना चाहिए। मगर होता क्या है कि शादी के पहले साल में समझो ऐसा होता भी होगा, मगर जैसा जैसी आदमी की उम्र बढ़ती है उसको लगता है कि नहीं, अपन ने फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करना चाहिए, फाइनेंस ज्यादा कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, धंधा बढ़ाना चाहिए, तो वो बहुत बिजनेस के पीछे लगता है, बहुत मेहनत करता है दिन रात, तो उसमें फिर वो करता फैमिली के लिए मगर फैमिली को वो नहीं चाहिए, उनको चाहिए आदमी घर में, और वो भागता है बाहर। इसमें लड़की को लगता है ये पत्नी को कि अपने आदमी ने अपने पास में बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, प्यार देना चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए। और वो जब होता नहीं है तो वो कोई ऐसा उसको कोई मिल गया कि जो उसको सुनने वाला है, जो सुनता है, बातें करता है, प्यार से बातें करता है, तो नेचुरली उसके तरफ वो आकर्षित हो जाती है। ये पहला कारण। दूसरा कारण जो है कि उसकी जो नीड्स है, जरूरत है, वो यदि घर में पूरी होती नहीं है, समझो उसको पैसे लगते हैं खर्च करने के लिए, उसको साड़ियां चाहिए, उसको गहने चाहिए, या उसको वही खर्चे करने मोबाइल्स है, मतलब ऐसा, और वो समझो यहाँ पूरा होता नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें फिर उसको उसका ख्याल बाहर जाता है कि और कोई कर सकता क्या, और वो कोई संबंध किसके साथ में वो देख लेती है कि भाई कोई अपना ये कर सकता है, बहुत पैसे वाला है, तो वहां वो आकर्षित भी हो जाती है, वो बाहर का व्यक्ति भी इसके पूरे लाड़ प्यार पुराता है, उसको गिफ्ट देते रहता है और नेचुरली वो आकर्षित हो जाती है और उनके संबंध होने लगते हैं। तो ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि उसको घर में शारीरिक सुख नहीं मिल रहा है, तो कि भाई हो सकता है जैसा मैंने पहले बताया कि वो बिजनेसमैन है, बहुत मेहनत करते रहता है, सेक्स ये उसकी प्रायोरिटी नहीं है, बस बच्चे पैदा करना बस उतना ही है उसका है, बाहर बहुत ज्यादा रहता है, ट्रैवलिंग है, टूरिंग है, और उसमें घर में आता है थक भाग के आता है, सेक्स की इच्छा नहीं है, वीकेंड में सेक्स किया तो किया, तो उसकी जो गरज है शरीर की वो समझो पूरी होती नहीं है, तो फिर वो कहीं आकर्षित हो जाती है, मतलब उसकी इच्छा है मगर आदमी आके खाना खाया, थक गया, सो गया, या वो सेक्स करता भी है तभी भी उसको सुख नहीं मिलता है, समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम होगा आदमी को, लाइक प्री मैच्योर इजैकुलेशन है या सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इसलिए वो ज्यादा सेक्स नहीं कर पाता है, जो भी कोई कारण है, मगर इसकी सेक्स की इच्छा पूरी होती नहीं है, तो वो सेक्स की इच्छा पूरी करने के लिए वो बाहर जाती है या बाहर संबंध रखती है कि जहां उसकी सेक्स की इच्छा पूरी हो जाए। ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण कि वो लेडी मानसिक रुग्ण है ना, उसको निम्फोमेनिया है, सेक्स की ज्यादा इच्छा होती है, या फिर मतलब सेक्सुअल एवर्शन है, निम्फोमेनिया है, या मैनिया हाइपोमेनिया है, और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, मतलब पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में वो बाहर ज्यादा मतलब जाती रहती है, घूमती फिरती है, सोशल स्टेटस है, सोशल कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब उसको बाहर ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो थोड़ा हाइपोमैनिक है समझो वो, और मतलब वो एक तरह की मूड डिसऑर्डर है हाइपोमैनिया, और उसमें फिर उसका बाहर संबंध आ सकता है। तो ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं, इसके मैंने 4 प्रमुख कारण बताए, ये कारण में ऐसे रहे तो उसके संबंध बाहर आते हैं। अब इसमें दोनों भी फैमिलीज प्रॉब्लम में आती है, जैसा भी मैंने जो केस बताया उसमें दोनों फैमिली प्रॉब्लम में आ गई, क्योंकि जब ये लेडी के हस्बैंड को मालूम हुआ कि ऐसा है तो उसने उसके वाइफ को जाके बता दिया, उनके झगड़े चालू हो गए, इधर इनके झगड़े चालू है, बिजनेस पूरा मट्टी मोल, टोटली लॉक लगा दिया बिजनेस को कि बिजनेस चालू क्या करके ये प्रॉब्लम हुए,
और अभी ये लेडी डिप्रेशन में गई, सुसाइड करने के लिए जा रही, क्योंकि अभी उसको उसके प्रति आकर्षण ज्यादा है। बोले मेरे को संबंध रखने दो, मैं आपको छोड़ के जाने वाली नहीं हूं, मैं कोई शादी करने वाली नहीं, मगर उसके साथ में बात करने दो, बैठने दो, और मैंने उससे कोई शारीरिक संबंध रखे नहीं, मगर उसके साथ में बैठना है, बात करना है उसको, वही है, और वो नहीं करनी है तो उसको डिप्रेशन आ रहा है। तो सही गलत छोड़ के ये हमको देखना चाहिए कि भाई ये होता क्या है, और इसमें यदि ख्याल देंगे तो फिर हमको समझेंगे कि आजकल जो सोशल मीडिया है, सोशल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के, बाहर घूमना फिरना, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत संपर्क आते रहते हैं, और उसमें ये चांसेस ज़्यादा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, इसमें हमारे पार्टनर बन जाओ। हमारा ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फ्री चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।